नमस्कार, बलिया लाइव पर मैं वीरेंद्र नाथ मिश्र, मैं यहाँ तहसील बैरिया में खड़ा हूँ। इस समय यहाँ 29 मई के बाद से लगातार कर्मचारी संगठन और लेखपाल संघ यहाँ कार्य बहिष्कार किए हुए हैं, यहाँ के न्यायालयों पर तालाबंद किए हुए हैं, जिससे नाराज़गी व्यक्त करते हुए यह आज 6 लोग यहाँ अपनी प्रमुख मांगों को अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ रविंद्र सिंह गुड्डू से। रविंद्र सिंह गुड्डू व्यापार मंडल रानीगंज के अध्यक्ष हैं। हाँ, बतलाइए आप कि क्या है आपकी प्रमुख मांगे यहाँ? हमारी प्रमुख मांगे ये हैं कि जो तहसील कर्मी जितने दिन से हड़ताल पर हैं उतने दिन का जो है उनका वेतन काटा जाए, और दूसरा जो राजस्व कर्मी अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जा करके न्यायालय उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है उसमें उन्होंने तालाबंदी किया था, तो इसको लेके उन पर एक विधि कार्यवाही हो। तीसरा हम लोग का एक मांग है कि जो इस तहसील परिसर में एक सिटीजन चार्टर लागू हो, यानी हर कार्य का एक तय सीमा लागू हो, और तय सीमा में कार्य न करने पर संबंधित कर्मचारी पर एक दंड का प्राविधान हो। चौथा मांग ये है कि जो तहसील परिसर में तहसील बैरिया में जो बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं कानूनगो और लेखपाल 3 साल के सेव जो भी हैं उनका गैर जनपद में सामूहिक रूप से स्थानांतरण हो, और जो घूस लेते हुए रिसेंटली एक जो वीडियो वायरल हुई है लेखपाल और कानूनगो का उन पर एक उस वीडियो के संदर्भ में घूस लेने का आपराधिक मुकदमा कायम हो। पर बैठने वाले ये दुर्ग विजय सिंह झालन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपको क्या पड़ी कि आप यहाँ अनशन पर बैठ गए भैया? हम बैरिया विधानसभा के जनता के लिए हर वक्त लड़ने के लिए आगे रहता हूँ। माननीय लेखपाल संघ के अध्यक्ष राजा राम सिंह जी ने कहा, कल मैंने आपके वेबसाइट के माध्यम से पढ़ा, कि अगर हम लोग घूस लेते हैं तो आप कहिए कि हमको सस्पेंड कराया जाए, निलंबित कराया जाए, हमको मारने की क्या ज़रूरत है। तो हम उन्हीं के बातों को अपने शब्द में कह रहा हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपको कोई मार पीट दे रहा है, चाहे तहसील क्षेत्र का कोई भी हो, तो आपको ये तालाबंदी करने की जनता से क्या बैर है? आपने 20 दिनों तक कार्य बंद रखा, बहुत सारा पैमाइश का समय चल रहा है, खेत बोरनी के बाद नहीं हो पाएगा, तो जनता की क्या दोष है इसमें? आप भी तो विधिक कार्रवाई करवा सकते थे, थाना है, कोर्ट है, उसमें जा सकते, तालाबंदी करने की क्या हो सकता थी? हाँ, धीरेंद्र प्रताप सिंह यह पूर्व सैनिक संगठन के बैरिया विधानसभा अध्यक्ष हैं। सैनिक संगठन इस आंदोलन में क्यों कूद पड़ा, अनशन पर क्यों बैठ गया? आम जनमानस के लिए सैनिक संगठन पहले सीमा से समाज की ओर आया है। आम जनमानस में अगर किसी किसान को, मतलब छात्रों को, नौजवानों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, उसके लिए सैनिक संगठन हमेशा सदैव तत्पर है और तत्पर रहेगा। किसी की जनता की भलाई के लिए सैनिक संगठन आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए सदैव तत्पर है और हमेशा समाज की सेवा करने में सक्षम है, वो आगे रहेगा। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रवि सिंह, आप बतलाइए, आप बतला रहे थे पहले कि छात्रों की बहुत समस्या है इस समय, बतलाइए। जी, आए दिन, मतलब आज से करीब 20 दिन से बैरिया तहसील बंद पड़ा है। जो हमारे छोटे भाई, जो कि हम लोग छात्र संघ से जुड़े हैं, जो बीए में प्रवेश के लिए लगभग 20 दिनों से दर दर भटक रहे हैं, जो कि आय जात निवास का उसमें मांगा जा रहा है प्रति, और डेली बार बार आ गया कि लौट लौट के घर पे चले जा रहे हैं। लग रहा है कि तहसील कर्मी वो निसंतान हैं, और कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि 20 दिन से लोग कितना परेशान है। बच्चों को मतलब बहुत कठिनाइयाँ होती चली जा रही है। रवि सिंह छात्र संघ सुदिष्टपुरी के अध्यक्ष हैं, बताइए भैया अपने समस्या। मैं रवि कुमार मौर्य, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष सुदिष्टपुरी। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जो हमारे तहसील पर भ्रष्टाचार आए दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, हमारे छात्रों को इतना दिक्कत हो रहा है कि एक आयजात बनवाने के लिए यदि हम 200 रुपये दे रहे हैं तो वो 2 दिन में बनकर तैयार होता है, और यदि हम 100 रुपये दे रहे हैं तो वो 15 दिन में बनकर तैयार होता है, और हमारे कॉलेज पे वर्तमान में जो कि प्रवेश परंपरा हो चुका है उसमें आय का प्रावधान नया लागू हुआ है, और मैं ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो, कि हमारे तहसील परिसर खुले और हमारे छात्रों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। हाँ, रविंद्र सिंह जी बतलाएं, आप पूरी समस्या को बतलाएं, तफसील से बतलाएं।
तहसील कर्मी द्वारा की जा रही हड़ताल से इस समय जो है खेत का वरासत पैमाइश खसरा खतौनी या छात्रों के एडमिशन के लिए लेकर के जो आय जाति निवास है ये नहीं बन पा रहा है, यानी तमाम समस्याएं हैं। इन तमाम समस्याओं से जो है वर्तमान कानूनगो लेखपाल लोग कोई सरोकार नहीं है और बिना किसी मुद्दे के बेवजह इस मुद्दे में ऐसा कुछ नहीं है कि 20 दिन के लिए हड़ताल किया जाए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं जानता है। उसके बाद भी इनके द्वारा FIR दर्ज करा दिया गया उस संबंधित अधिवक्ता के ऊपर और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार किए उसी दिन से ये लोग लगातार जो है हड़ताल किए हुए हैं। ये सरासर अन्याय है जनता के प्रति, क्योंकि ये जनता के प्रति जवाबदेह हैं, सरकारी कर्मचारी हैं ये, और ये जनता के चीज़ों को छोड़ करके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ये सब सारी चीज़ें किए हुए हैं, जिसके खिलाफ़ हम लोगों ने ये अनशन शुरू किया है।